डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चन हिंदी करंट अफेयर क्विज जीके क्वेश्चन डेट 21 मार्च 2020। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेलवे एसएससी यूपीएससी बैंक एंड ऑल एंट्रेंस एग्जाम। कल का सवाल, किस देश ने कोरोना वायरस से बचाने वाले वैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत की है? चीन ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने या फिर भारत ने? तो इसका आंसर है अमेरिका ने इसका शुरुआत की है। डिटेल में पढ़ते हैं समाचार एजेंसी एपी मुताबिक वॉशिंगटन में सीएटल की काइजर परमानेंट रिसर्च फैसिलिटी में 4 मरीजों को ये वैक्सीन दी गई है। इस वैक्सीन की वजह से कोविड-19 बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें वायरस से निकला गया एक हानि रहित जेनेटिक कोड है। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी भी ये तय करने में कई महीनों का वक्त लगेगा कि ये वैक्सीन कामयाब होने होता है या नहीं होता है। रिवीजन क्वेश्चन, अंगदान और प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना में कौन सा राज्य आगे निकल गया है? तो है ये महाराष्ट्र। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो इसका आंसर है 5.3%। किसी युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ए अजय कुमार को। किस व्यक्ति को जातिर पिता मतलब राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है? कहाँ पर? बांग्लादेश में। शेख मुजीबुर रहमान को। क्वेश्चन 5, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई श्री रंजन गोगोई को राज्यसभा में मनोनीत करने के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति 12 से अधिक सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं यदि उनके पास विज्ञान, कला, साहित्य या फिर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और कौशल है। राज्यसभा का केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। तो ना वन और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई निम्न में से कौन सा निकाय है? सांविधिक निकाय। कौन से देश बिम्स्टेक और सार्क का हिस्सा है मतलब दोनों में कॉमन है? बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, ये चारों देश हैं जो बिम्स्टेक में भी और सार्क में भी है हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महामारी की रोग अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन सही है। 1890 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फैले बुबिनिक प्लेग से निपटने के लिए महामारी रोग अधिनियम को 1897 में उपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्रों केसरी और मेहरता माध्यम से अधिनियम को अस्वीकृत बताया था। तो इसका आंसर है पहला और दूसरा दोनों ही। निम्नलिखित किस स्थान पर पहली बार डेफेक्सोपो के द्विवार्षिक संस्करण का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर टेन निम्नलिखित से किस संगठन द्वारा समायोजित सकल राजस्व AGR को दूरसंचार ऑपरेटर पर शुल्क लगाया जाता है? तो इसका आंसर है दूरसंचार विभाग। पहला सवाल, निम्नलिखित से किस जेल में निर्भय गैंगरेप के चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है? तिहाड़ जेल में, येरवदा जेल में, पोजल केंद्रीय कारागार में या फिर नैनी सेंट्रल जेल में? तो तिहाड़ जेल में दी गई है। ये वो चार है अपराधी जिनको सजा मिली है। 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में निर्भया गैंग रेप के आरोपी चारों दोषियों को फांसी दी गई। संडे 16 दिसंबर 2012 में निर्भया को गैंग रेप हुआ। 10 सितंबर 2013 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन सभी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद भारत मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा, परंतु सभी दोषियों को दया याचिका खारिज होने के बाद सभी को फांसी ही दी गई। चारों दोषियों के नाम है अक्षय, मुकेश, विनय और पवन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत बिजली उत्पादक का कौन सा देश बना है?
दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा? तो इसका आंसर है तीसरा बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार भारत बिजली उत्पादक का तीसरा देश बना है। ये जानकारी 19 मार्च 2020 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दी है। क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है? 90, 70, 65 या 83? तो इसका आंसर 83 को दे दी है। ये फैसला रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद TSC ने लिया है। यह एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL ने तैयार किया है। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2023 को तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। इस खरीदी में मेक इन इंडिया का बढ़ावा मिलेगा और क्यूमिक विमान का डिज़ाइन और विकास स्वदेशी तकनीक से किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में SC ST कर्मचारियों को किसको SC ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है? उत्तराखंड सरकार ने, बिहार सरकार ने, पंजाब सरकार ने? तो इसका आंसर है उत्तराखंड सरकार ने इसको हटा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण को खत्म कर दिया। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगा रोक को भी हटा दिया है। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में सरकार 11 सितंबर 2019 को पदोन्नति में लगाई रोक का समाप्त कर दिया है और इससे तकरीबन 30,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई? कौन सी स्कीम? मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, दिल्ली में, गोवा में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में? तो इसका आंसर है दिल्ली में शुरू की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है, जिसके लिए वकील 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे। इसकी योजना बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेच जैसी सुविधाएं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संस्था बैंक ने किसानों को निर्यात प्रोत्साहन के लिए कृषि उत्पादक संगठनों के साथ समझौता किया है? एशिया बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने या फिर कृषि प्रसारण प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने या भारतीय रिजर्व बैंक ने? तो ये इसका नाम है क्वेश्चन नंबर, इसका सी ही इसका सही आंसर है, कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये इसका लोगो है जैसे आपका लोगो। एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब आपदा 1981 के अंतर्गत की गई थी। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात सर्वधन परिषद की स्थापना की गई थी। कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मतलब आपदा की मुख्य कार्य कृषि तथा संबंधित उत्पादों को के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर सिंगापुर में? तो सिंगापुर में। हाल ही में सिंगापुर में 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 5 जुलाई से 9 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में मुख्य थीम है लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज एडॉप्टिंग टू अ डिस्क्रप्टेड वर्ल्ड है। WCS 2020 को सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक मतलब SIWW और क्लीन एनीवेरो समिट सिंगापुर CESG के साथ आयोजित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस देश को स्कूल की स्थापना के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगा?
श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका, बांग्लादेश। नेपाल। भारत नेपाल की दुराचूला, धनुषा और कपिलवस्तु जिले के नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए नेपाल को 107.01 मिलियन नेपाल ही रुपए की राशि प्रदान करेगा। स्कूल के निर्माण के लिए राशि को भारत के दूतावास द्वारा विभिन्न जिला समन्वय समितियों को सौंपा दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवीनतम अधिसूचना के अनुसार पीए को केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय किया जाएगा। और पीए के पूर्ण स्वरूप का क्या है, मतलब पीए का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। पेमेंट एग्रीगेटर, फिजिकल एड्रेस, फिजियोलॉजिकल एसोसिएट या पर्सनल असिस्टेंट। तो इसका आंसर है पेमेंट एग्रीगेटर। भुगतान एग्रीगेटर मतलब पेमेंट एग्रीगेटर ई कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहकों से विभिन्न भुगतान उपकरणों को स्वीकार करने का में सक्षम बनाते हैं। भुगतान एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के नियमन में देश दिशा निर्देशों के अनुसार मौजूदा भुगतान एग्रीगेटर को 31 मार्च 2021 तक 15 करोड़ रुपए और 31 मार्च तक 2023 को या फिर उससे पहले 25 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति हासिल करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में स्टार्च आधारित हेलमस्टेट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, नैनो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो इसका आंसर है बी, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ये किया गया है। स्टार्च आधारित हेमोस्टेट दुर्घटनाओं के दौरान रक्त में तेजी से खून को बहने से रोकने के लिए विकसित किया गया था। यह अतिरिक्त द्रव्य को अवशोषित करते हुए खून में थक्के बनाने वाले प्राकृतिक कारकों को गाढ़ा बनाता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थानों के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है। तो ये क्वेश्चन थे 10 करंट अफेयर के टुडे की। आज का सवाल, इनमें से कौन से शहर में दक्षिण राज्यों के मामलों को देखने के लिए NCLAT की एक पीठ का गठन किया गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसमें से आपको चारों में से एक का जवाब, एक सही जवाब है आपको देना है इस वीडियो के अंत में। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।